हरियाणा के चुनाव में चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, कल शाम को बंद हो गया और कल वोटिंग होगी। हमें लगता है कि सभी लोगों ने मन बना लिया है। व्यापक रूप से हरियाणा में घूम फिर कर तकरीबन हर कोने को टच करते हुए चुनाव प्रसार में मैंने देखा कि लोगों का मन बिल्कुल बदल चुका है। जो पिछला चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, उस समय से अब में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। और उससे भी ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहा है कि पिछले एक महीने में और उसके बाद पिछले हफ्ता भर में एक बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आता नज़र आया है। जो हम नीचे ज़मीन से लोगों से बात करते हैं तब सबको महसूस हो रहा है, बल्कि मीडिया के साथियों से भी जब हम बात करते हैं उनका भी फीडबैक यही आता है कि बहुत बदलाव आ चुका है। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू में बातें कही थी अब वो कहीं भी उसके आसपास भी नहीं। मुद्दे बहुत से थे। अब आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में कितना फर्क आपको नज़र आया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ये जानते हुए कि उनकी कमज़ोरी क्या है हरियाणा में, पहले दिन से हरियाणा के लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर किसी दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की। कोशिश करते रहे, अंत तक कोशिश करते रहे, शायद आज भी कोशिश कर रहे। लेकिन हमने पहले दिन से इनसे पूछा कि आप बताइए कि हरियाणा के लोगों के लिए आपने क्या किया है। जब 5 साल कोई भी पार्टी सत्ता में रहती है, सरकार रहती है, तो 5 साल के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने आना चाहिए। ये आप सब मानेंगे कि 5 साल की कोई भी उपलब्धि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हों हरियाणा, चाहे इनके बड़े शीर्ष नेता गए हों दूसरे, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, इन्होंने हरियाणा के एक भी मुद्दे पर नज़र नहीं डाली, रोशनी नहीं डाली, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बैकफुट पर है। 5 साल का लेखा जोखा हरियाणा की जनता ने मांगा। हरियाणा की जनता ने कहा कि पहले अपना रिपोर्ट दो और उसके बाद हमसे वोट मांगो। ये अपनी ही बातों में फंसते चले गए, कोई रिपोर्ट दे नहीं पाए, ध्यान बांटने की कोशिश की लगातार। इनको लगा कि ये उस बात पर फोकस रखेंगे तो शायद वो बात लोगों का ध्यान बांटने में सहायक हो। लेकिन हरियाणा की जनता ने देखा, इनके जो ये गेम है उसको पहचान लिया कि ये ध्यान बांटने का एक और तरीका इन्होंने अपनाया है। कभी 370 की बात की, कभी NRC की बात की, लेकिन आज के दिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी मन मर्जी से नैरेटिव नहीं चेंज कर पाई। कोशिश की गई लेकिन आज के दिन मुद्दे इतने हरियाणा में और हमने उन मुद्दों को उठाया है और हरियाणा की जनता ने हमें उसका रिस्पांस दिया है। उदाहरण के तौर पर माननीय
मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं और रिपोर्ट बताते हैं कि एक रिपोर्ट आई है सीएमआई की कि हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 28.7% की हाईएस्ट मानते हैं उसको, तो वो कहते हैं कि ये तो गलत रिपोर्ट है। तो हम पूछते हैं कि आप असली आंकड़े बताइए, असली आंकड़े बताने में असमर्थ है। और सबसे रोचक बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब महाराष्ट्र जाते हैं तो उसी रिपोर्ट का हवाला देकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किन बातों को कहां पर सच्चा मानते, वही रिपोर्ट हरियाणा में जीरो और महाराष्ट्र में हीरो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो असली बातें यही है कि हरियाणा के मुद्दों से इन्होंने ध्यान बांटने की कोशिश की, जो कि हरियाणा की जनता ने नहीं स्वीकारा। इसके अलावा आप देख लीजिए जो दूसरे स्थानीय मुद्दे हैं, अपराध कितना बढ़ता गया है उस पर कोई बात नहीं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते गए उस पर कोई बात नहीं, हमारे दूसरे मुद्दे हैं किसानों का देख लीजिए, आज किसान कितनी मुश्किल में है, आत्महत्या करने पर कितने सैकड़ों किसान मजबूर हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक दिन भी कोई शोक नहीं प्रकट किया। बेरोजगारी के चलते 4,862 नौकरियों के लिए 15,00,000 बच्चे हरियाणा में घूमते रहे 250-250 किलोमीटर दूर, 10 के करीब बच्चे मारे गए हादसों में उस दौरान 3 दिनों में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़रा अफसोस नहीं प्रकट किया। तो ये नहीं हो सकता कि केवल जो आप देखना चाहें वही हो, यह जनता आईना है। अगर आप नहीं समझेंगे तो जनता आपको आपकी असलियत इस आईने में लोकतंत्र में दिखाएगी, जो कि चुनाव के समय मौका मिलता है। हम अपने किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की बात करें, मनरेगा बिल्कुल ठप कर दिया है इन्होंने हरियाणा में, पैसा है नहीं, दिवाली का मौसम है, किसी बाज़ार में जाइए, आज के दिन इतनी मंदी है जो नोटबंदी से शुरू हुई जीएसटी तक आई और आज इतना ज़्यादा बुरा हाल है हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ये शब्द मंदी का जुड़ गया, मोदी जी नहीं मंदी हो गया, मंदी है जी। तो किसी बाज़ार में देख लीजिए आप दुकानदार, हम तो घूमते रहे मंडियों में, बाज़ारों में, लोगों के बीच में, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं दुकानदार, और उद्योग बंद हो रहे हैं वो तो मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। तो ये असली बातें हैं, गरीब आदमी तो और गरीब होता गया, आपने सबकी जेब में डाका डाला, जेब में दिया कुछ नहीं, तो लोग कहाँ जाएंगे, दशहरा दिवाली जेब खाली, लोगों के पास कुछ आपने छोड़ा नहीं। अब जनता ने फैसला किया है कि ये वक्त आ गया जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बदला लेना है और असलियत इनके सामने आएगी। आप देख लेंगे कल मतदान होगा और मतदान में हरियाणा की जनता ने अपना मन बनाया है, फैसला किया है और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे होता गया है और कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता गया है, ये सब मानेंगे। और कल जब मतदान होगा लोग अपना मत डालेंगे और 24 तारीख को असलियत भारतीय जनता पार्टी के सामने आ जाएगी। मैंने खुद तकरीबन दो तिहाई हलकों में मैं जा चुकी हूँ, तकरीबन
और जनता का मूड जो देखने को मिल रहा है। कल एक जगह मैं सुबह 9 बजे के करीब थी। मैं खुद इतनी उम्मीद नहीं करती थी, मुझे लगता था कि इतना सुबह कैसे हो पाएगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो 9 बजे इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे। और लोगों का रिस्पांस है कांग्रेस के प्रति और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो रोष है वो दिखा रहे हैं, गुस्सा है वो दिखा रहे हैं और वो कल दिखाते हैं। जी सवाल See, there's nothing nationalistic about it. This is all political issue as far as BJP is concerned. But the Haryana people have made up their minds. They are not going to swallow this. हमारे यहाँ कहते हैं एक कहावत है हरियाणवी में, हिंदी में, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो आपने चला लिया एक बार, अब बार बार नहीं होगा। People have seen through this game. 370 is not an issue in Haryana. And when we got the feedback from the people, from our state, this was certainly not an issue. And Congress refuses to get diverted by BJP's agenda. Our agenda is reflected by people's issues and we refuse to get diverted. हर जगह मैंने कहा है, मैंने पहले दिन से फैसला किया कि हम भारतीय जनता पार्टी को एजेंडा सेट नहीं करने देंगे और हमने नहीं करने दिया। 370 हरियाणा में, हरियाणा के लोगों में ना इशू है और ना बन सकता है। हरियाणा के लोगों के जो इशू हैं उनसे संबंधित मुद्दे जो हैं वही हैं हरियाणा के मुद्दे। दोनों बातें हैं। हरियाणा में जहाँ तक की सीटों की बात है, आप ये बात को मानेंगे कि पिछले एक महीने से और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आया एकदम हवा बदलती गई और आज मीडिया भी इस बात को कहीं ना कहीं मानने लगा है। जिस बात से ये शुरू हुए थे आज उस बात का आंकड़ों का ये नाम भी नहीं ले रहे। और मैं ये बात ज़रूर कह सकती हूँ कि लोगों के बीच में जाकर, लोगों का रिस्पांस देखकर, सरकार हमें कांग्रेस पार्टी की बनती हुई साफ नज़र आ रही। आंकड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के मूड से पता चलता है। और आंकड़े तभी पास हो जाएंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी और वो सरकार ज़रूर बनेगी, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने दोनों बातों से मन बना लिया है। एक तो कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये जुमलेबाजी है ये बार बार नहीं चल सकती, जो ये ध्यान हटाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की असली मुद्दों से, वो भी इनके जो गेम है वो बार बार नहीं चल सकते। तो इस बार हरियाणा के लोगों ने जो इन्होंने कोशिश की, चाहे NRC को तो एकदम मौके पर लेकर आए, चुनाव जब शुरू हो गया, चुनाव का प्रक्रिया जब शुरू हो गई प्रोसेस, उसके बाद ये NRC कहीं से उठा कर ले आए, क्योंकि ये पहचान गए कि हरियाणा में हरियाणा के मुद्दों पर इनके पास कहने को कुछ नहीं। इसलिए इनकी कोशिश रही ऊपर से नीचे तक कि 370 NRC आखिर में इस तरह की बातें लाने का
लोगों के बीच में कोई मतलब नहीं था, ना तो आपने कभी एनआरसी पहले हरियाणा में बताई कुछ कि क्या चीज़ है, 370 का भी हरियाणा के, जैसा मैंने पहले समझाया, क्या मतलब था। तो हरियाणा के मुद्दों से जैसे ही बीजेपी ने अपने आप को हटाया और इन मुद्दों को लाए, ये भारतीय जनता पार्टी का अपने फेलियर का सबसे बड़ा एडमिशन है, सबसे बड़ा एडमिशन। ये मान गए हैं कि हरियाणा के मुद्दों पर ये कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये इन मुद्दों को हरियाणा में लेकर आने की कोशिश इन्होंने की। That the internal divide within the Congress party, whether it's about leadership, about Rahul Gandhi, whether it is about the state division as far as Congress party is concerned, is this going to cost you Haryana elections also? I think this is being created more in the media than on the ground. Let me tell you, ye koi division kuch hai nahi Haryana mein. Let me answer now, please. Haryana mein jab change hua, tab कहीं ना कहीं एक आई थिंक एक आध लीडर ने कुछ थोड़ा सा, लेकिन बदलाव तो होता है, बदलाव पहले भी हुआ और स्टेट्स में भी हुआ और हरियाणा में भी हुआ। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम परहैप्स समबडी हु मे हैव इवन लेफ्ट द पार्टी, बाय एंड लार्ज टुडे देयर इज ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स। द पीपल ऑफ हरियाणा हैव एक्चुअली वेलकम्ड द चेंज एंड द पीपल ऑफ हरियाणा एंड द पार्टी has gone along with the change and you see the positive response on the ground. So ekad ko kahin kuch agar hua ho jiske pad badla ho, lekin ab wo jab party ka hissa hi nahi hai to division ka to sawal hi nahi paida hota. Aaj ke din party mein koi division hai hi nahi. Will Bhupinder Hooda be the CM candidate? Ye samay ye aaj tak to kiya nahi hai kisi ko candidate Congress ne, aaj tak to kiya nahi hai, nobody has been projected as CM candidate by the party. This decision will be taken at the right time by the high command. Ma'am, LOC par border par is samay bahut zorda firing ho rahi hai aur bharatiya sena bhi jawab de rahi hai aur bhartiya sena ne hamesha hamari sarhadon ko bachaya hai. हमें अपनी सेना पर गर्व है और हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है कि वो हमेशा की तरह हमारी सरहदों की रक्षा करेंगे, पूरी तरह से हमारी सेना कैपेबल है और हमारा उनमें अटूट विश्वास है। Which exit polls are you talking about? How can there be exit polls at this point? Number one, there can't be any exit polls at this point. There are no exit polls. ये अनुमान है, अब इन अनुमानों को आप जानते हैं कि कहाँ कैसे निकल आते हैं, तो उन पर हम नहीं जाएंगे। हम अपना अनुमान आपको बता सकते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा। Ma'am, there has also been largely a question regarding the SPG security on Rahul Gandhi. आपने news reports देखी होंगी ऑनलाइन. I don't think I don't think I can answer that kind of a question. I really can't answer. I cannot answer. I cannot answer this question. BJP candidate from Haryana, Bakshi Singh, has made a controversial statement where he said that EVMs are manufactured by us and aap kuch bhi ab dekh lijiye is cheez ko. इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए कि ये इस तरह की बातें कैसी आ रही हैं। पर आई वुड से कि जहां एक और ये कोशिश कर रहे हैं, वो समझ गए हैं कि वो हार गए हैं, इसलिए अब इस तरह की बातों का सहारा लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन को ज़रूर देखना चाहिए कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। पर आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो एन एडमिशन, येट अनदर एडमिशन एट द लास्ट मोमेंट दैट दे हैव एक्चुअली लॉस्ट द ग्राउंड।